आओ भक्तों, आज दिवाली के अवसर पर तुमको महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। देवी लक्ष्मी कथानुसार समुद्र मंथन के अष्ट रत्न रूप में अवतरित हुई। पराजित देवों ने विष्णु जी के कहने पर वासुकी, नाग और कच्छप की रस्सी बनाकर मंथन प्रारंभ किया। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी की पावन कथा। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुन लो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते भक्तों, जब मंथन में से लक्ष्मी माता प्रकट हुई, अष्ट रत्न के रूप में निकली। लक्ष्मी माता का बड़ा ही सुंदर रूप था। माता धन की देवी है और कृपा बरसाती है। जो भी सच्चे मन से माता का ध्यान करता है, उस पर माँ अपनी कृपा बरसाती है। तो आगे क्या हुआ, सुनते हैं। आइए भक्तों, कथा सुनाओ तुमको मैं तो। लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई, धन यश सुख वैभव की सारी सुविधा तब ही रचित हुई। अमृत हित मंथन की ना देवों ने जब सागर का, असुरों से जब हारे देवता, तब ये बड़ा हितकारी था। रत्न जवाहर माणिक पाए, धेनु इरावत पाया है। धन रवती का आयुर्वेद भी इस मंथन से आया है। सुरा के घट पाए देवों को सुब मणियां पाई थी। अष्ट रतन के रूप में निकली लक्ष्मी जी महामाई थी। सुंदर रूप था लक्ष्मी जी का, परण किया भगवान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। भक्तों, समुद्र मंथन से प्राप्त लक्ष्मी देवी विष्णु जी की पटरानी कहलाई। जब समुद्र को और मथा गया, तब बहुमूल्य रत्न मिले। अंतिम में जब समुद्र मंथन हुआ, तो अमृत के घट प्राप्त हुए, जिससे दानवों में लालच बढ़ गया। देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा। आइए आगे क्या हुआ सुनते हैं। अमृत को पाने की अब था बड़ा संग्राम छिड़ा। रण जीता तब देवों ने था, अमृत पे अधिकार हुआ। किसी में से निकला कोलाहल, शिव ने जिसको ग्रहण किया। नीलकंठ तब शिव कहलाए, सृष्टि रक्षण प्रभु किया। देवों ने था संग्राम जीता, सृष्टि सारी महक उठी। बैर द्वेष की धूप ढली थी, जीवन बगिया चहक उठी। धन धान्य यश सुख परिभाषा लक्ष्मी ने तब सिखलाई। सुख सुविधा वैभव परिपाटी लक्ष्मी जी से थी पाई। पालित पोषित सृष्टि का तब मान किया कल्याण। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान।
भक्तों, युद्ध के पश्चात उस युग में लक्ष्मी जी से ही धन संपत्ति का परिचालन संभव हुआ। लक्ष्मी मुद्रा के बिना आज जीवन का गुजारा मुश्किल है। जो भक्त लक्ष्मी माँ की पूजा अपने सच्चे मन से करते हैं, उनके भंडारे धन धान्य और वैभव से भर जाते हैं। आइए आगे की कथा सुनते हैं। धन धान्य की देवी लक्ष्मी विष्णु प्रिया महारानी है, राजसी सुख का भोग कराती ये विष्णु पटरानी है। शोहरत जग में कोई न पाए लक्ष्मी जो कृपा न करे, वैभव लक्ष्मी प्रतिरूप है घर को खुशियों से वो भरे। पूजन वंदन करने से ही दारिद्र्य ये हर लेती, रिद्धि सिद्धि बरसाती माँ सुखों का है वर देती। सतयुग त्रेता द्वापर में मैया की महिमा फलदाई, कलयुग के कलिकाए में देवी लक्ष्मी सबको सुखदाई। महालक्ष्मी देवी के रूप को पूजो सकल जहां, श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान, मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते भक्तों। हम सुनाते हैं लक्ष्मी जी की महिमा का वर्णन करने वाली व्रत कथाएं। भक्तों, लक्ष्मी जी का पूजन जो सच्चे मन से करता है, लक्ष्मी जी उसके भंडारे भरती हैं और उसे सुख और वैभव से भर देती हैं। आइए प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। साहूकार की लड़की थी, पीपल पूजा करती थी, दीप जलाने वेद जलाकर माँ का नाम सुमिरती थी। महालक्ष्मी को सच्चे मन से श्रद्धा से वो मानती थी, सरल भाव की भक्ति उसकी लक्ष्मी माँ को भाती थी। एक दिन पूजन करने आई, एक नजारा तब देखा, लक्ष्मी माँ पीपल से निकली। लड़की ने मन में सोचा, महालक्ष्मी का दर्शन करके लड़की वो प्रसन्न हुई। उसने सोचा मेरी पूजा आज सफल है पूर्ण हुई, हर्षाती थी मन ही मन वो होंगे पूरे काम। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान, मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते भक्तों, साहूकार की लड़की से माँ तब प्रसन्न हुई और लक्ष्मी माँ ने उसे दर्शन दिए। माँ ने कहा, तुम मेरी सहेली बनकर मेरे साथ रहो। माँ की सूरत देख साहूकार की लड़की कृतार्थ हो गई और मन ही मन मुस्काने लगी। आइए आगे सुनते हैं। माँ के दर्शन पाकर कन्या समझो भव से पार हुई, माँ बोली तेरी भक्ति से बेटी मैं तो प्रसन्न हुई। तब माँ ने अनुरोध किया कि मेरी सहेली
जा तू, साथ में रहना लाडली बनकर सारे ही सुख पा जा तू। मेरे घर कल भोजन करना, तुझको मैं तुझे माऊंगी। भक्ति पूजा की विधि क्या है सारा भेद बताऊंगी। लड़की कुछ सकुचाई बोली, घर जाकर मैं पूछूंगी। माता पिता जो आज्ञा देंगे तब मैं भोजन कर लूंगी। यह कहकर उस लड़की ने फिर घर को किया प्रस्थान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते तो लड़की भागी भागी अपने माता पिता के पास गई और आज्ञा ली। उसके माता पिता ने उसे आज्ञा दे दी। उसके बाद वह लड़की लक्ष्मी जी के महल में जिमने पहुंच गई और वह कन्या लक्ष्मी जी की सहेली बन गई और लक्ष्मी जी के महल में जा पहुंची। लक्ष्मी माँ ने उसे बिठाया, भोजन तब मंगवाया है। सोने चांदी के बर्तन में भोजन उसे खिलाया है। ऐसा वैभव देखा नहीं था, कन्या मन में सोच रही। कभी वो बर्तन को निहारती, कभी महल को देख रही। बड़े प्रेम से भोजन खाया, हाथों से माँ ने खिलाया। प्रबल प्रेम था माँ का, देखो ममता को देखो पाया। उसकी भक्ति का ये फल था, मैया उसे जिमाती थी। लेकिन अपने दारिद्र्य पर खुद ही तरस वो खाती थी। देख रही खुश हो के कन्या थाली भरे पकवान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। महिमा गाते महालक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं। भक्तों, जब वह कन्या घर में आई तब उसने माता पिता को लक्ष्मी जी के महल का पूरा वृतांत कह डाला। तब वो परिवार संकोच में था कि लक्ष्मी जी ने एक निर्धन कन्या पर क्यों इतनी कृपा की है। भक्तों, माता तो बड़ी भोली है, धनी हो या निर्धन हो, वह सब पर कृपा करती है। आगे सुनिए। अगले दिन पूजन को गई तो लक्ष्मी माँ से फिर वो मिली। दोनों सहेली बतियाती थी, मार्ग में तब साथ चली। भक्ति पूजा वंदन सुमिरन फल सब माँ ने समझाया। सच्ची भावना सच्ची आस्था क्या होती है बतलाया। सहसा ही तब लक्ष्मी माँ ने मन की बात बताई थी। तेरे घर कल जिमने मैं जाऊं इच्छा वो बताई थी। माँ की मंशा जानी उसने मन ही मन वो सकुचाई। निर्धनता को सोच के अपनी सूरत उसकी मुरझाई। उलझन में कन्या थी उस पल कैसे होए निधान। श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। श्री चरणन में शीश नवा कर।
घर को पहुंची, उसने लक्ष्मी माता के जिमने की बात माता पिता को बताई। माता पिता बड़े ही हैरान हुए और बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा महालक्ष्मी हमारे घर आ रही है। वह सब मन ही मन बहुत खुश हुए और माता के आने की तैयारियों में जुट गए। आइए आगे का वर्णन सुनते हैं। खबर सुनी जब आगमन की, माता पिता तब सोच रहे कैसे हम आदर करेंगे। बेबस टिकटक देख रहे, मन को धीर बनाया उन्होंने, खुद को फिर तैयार किया। गोबर से सब आंगन लीपा, भोजन सब तैयार किया। रूखा सूखा जैसा भी था, भोजन शीघ्र बनाया था। लक्ष्मी माँ तब द्वार पे पहुँची, सबका मन हर्षाया था। साथ में गणपति देव भी पहुँचे, लाल सा भोजन की मन में। हो गई भोजन की तैयारी, बैठ गए वो आंगन में। गणपति लक्ष्मी माँ के मुख पे बिखरी थी मुस्कान। श्री चरणन में शीश नवा कर, सुनो लगा कर ध्यान। देखो भक्तों माँ की लीला। लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी ने भी निर्धन कन्या के घर में रूखा सूखा भोजन ग्रहण किया। कन्या के सच्चे भाव को देखकर गणेश जी एवं लक्ष्मी जी उन्हें आशीष प्रदान करते हैं। साहूकार के परिवार को उन्होंने धन धान्य और वैभव का आशीष दिया। आइए भक्तों आगे सुनते हैं। रूखा सूखा भोजन करके दोनों ने प्रस्थान किया। माता पिता और कन्या ने तब दोनों को प्रणाम किया। अगले दिन एक चील थी आई, नव से वो थी मंडराई। हार नौलखा उसके मुख में, छत से नीचे वो आई। कन्या ने जब देखा चील को, उसका मन घबराया है। हार नौलखा जो लाई थी, उनके घर में गिराया है। हार को पाके उन सब की वो निर्धनता सब दूर हुई। लक्ष्मी जी की कृपा बरसी, अन्न धन से भरपूर हुई। उनकी झोपड़ी की जगह पर महल था आलीशान। श्री चरणों में शीश नवा कर, सुनो लगा कर ध्यान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। मंगलकारी महालक्ष्मी की महिमा बड़ी महान। लक्ष्मी माँ ने उन निर्धनों के हाथ का रूखा सूखा खाकर भी उनके दिन बदल दिए। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है, वह जिस पर बरसती है उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। जैसे कि महालक्ष्मी ने इस परिवार पर अपनी कृपा बनाई, विश्व में सभी ही परिवार पर ऐसी ही कृपा बरसती रहे। सच्ची आस्था श्रद्धा भक्ति, सरल हृदय माँ को भाया। तब ही एक निर्धन के घर में रूखा सूखा था खाया। माँ तो है बस भाव की भूखी, नेकी को स्वीकार करे।
सुख से है भरे, पूजा वंदन करते प्राणी सारे ही फल पा जाते। माँ की लीला अपरंपार है, सोए भाग भी जग जाते। जग में गूंज रहा है देखो माँ लक्ष्मी का नाम, श्री चरणन में शीश नवा कर सुनो लगा कर ध्यान। देने वाली लक्ष्मी माता, जीवन को सर्व सुखों से भरने वाली है मेरी लक्ष्मी माता, तुम्हें कोटि कोटि नमन। भक्तों, जो भी वैभव लक्ष्मी व्रत 11 या 16 दिन करता है, उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है और माता उसे धन धान्य वैभव से भर देती है। जय माँ लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत है, पावन दिन है, शुक्रवार सुनो। 11-16 दिन व्रत के है, करता है उपकार सुनो। दीनहीन की सेवा करके पाप कर्म से दूर रहो। तामसी इच्छा मन से त्यागो, लक्ष्मी से भरपूर रहो। लक्ष्मी जी ने कृपा की नी, लिख दी रचना दीपक ने। महिमा गा लो महालक्ष्मी की, मिलेगी कृपा लक्ष्मी की। भव से सबको पार करे ये बैकुंठ सुख देने वाली। मंगलकारी सुखकारी है, सब दुखड़े हरने वाली। जग में गूंज जकारा है, पूजे सकल जहां। श्री चरणों में शीश नवा कर सुनो